सभी काम लोग कीजिए, ये अच्छी बात है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे बच्चों, मेरे हस्बैंड, मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली है आप लोगों को। तो दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को सबको। तो खुश रहना, अच्छे से रहना। तो मेरे यूट्यूब फैमिली को भी, तो आज दिवाली है, दिवाली के टाइम है। तो हमारे यहाँ तो दिवाली भी मना नहीं पा रहे हैं। मन में तो मना रही है, लेकिन जो बारिश की वजह से कैंडल वगैरह जला नहीं पाया। मैंने जलाया था, लेकिन इतनी हवा तेज चल रही है ना, हमारे यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग को दिखाया था मैंने, मतलब दिखाऊँगी। तो साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है करके सबको अलर्ट डेट दिया है। हमारी त्रिपुरा, मतलब नोटिस में सब जगह में है ना, पता नहीं, नोटिस में ज़्यादातर होंगे ना। तो अलर्ट दे दिया है, इसलिए कोई भी बाहर, घर से बाहर मत निकलना, मतलब अच्छे अच्छे रहना, ऐसे करके अलर्ट दे दिया है। माइट भी आ गए, तो माइट से अलाउंस कर दिया है, प्लेन से वो लोग आ गए। हाँ, तो बाहर से जो फौजी है, आर्मी वगैरह है, सब आ गई है हमारे यहाँ रेडी, मतलब ऐसे फ्लैट हो जाएंगे तो इसको सेव करने के लिए। तो इसलिए दिया जला नहीं पाया। ऐसे कोई कोई ऐसे घर पे फटाका फटा रही है अभी। तो बारिश बहुत, मौसम खराब, हवा चल रही है। तो मैंने कैंडल भी जलाया था, पूरा बुझ गई है जला नहीं पाया, तो आप लोग को दिखा नहीं पाया। तो गाइस, अभी मैं है ना दुकान में जाके आया हूँ, मतलब माचिस, मेरे माचिस है ना ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने माचिस लेने के लिए गई थी। तो आप लोग को मैंने दिखाया भी था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी तो मैंने कब से मेरे मन में सोच रहे थे मैं अच्छे से दिवाली मनाऊँ। जब दुर्गा पूजा के टाइम में भी बारिश बारिश हो रही है ना, तो देखो इधर आ जाओ। हेलो, बोलो, मेरे बेटे कितनी हो रही है देखो। तो दुर्गा पूजा के टाइम में भी इतनी बारिश है, अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर पाया। तो इस टाइम दिवाली में अच्छे से मनाएंगे, दिया जलाएंगे, कैंडल वगैरह जलाएंगे करके मैंने सोच रहे थे, लेकिन इस बार भी ऐसे मौसम की वजह से जला नहीं पाया, मैंने इंजॉय नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, अगले साल आएंगे तो अच्छे से मनाएंगे, आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, खाना अभी है ना, आज मैंने, मेरे बेटे ये दोनों चावल नहीं खाएंगे करके, मतलब ये भी चावल है लेकिन जो ऐसे व्हाइट राइस नहीं होते वो नहीं खाएंगे करके बोले। तो मैं खिचड़ी बना लिया है ये। तो यहाँ पे है ना चटनी बना रही हूँ, देखो कितनी काला हो गई है ये, देख कमरे करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, दिवाली के लिए सबके घर में लाइट जलाया हुआ है, पूरा सजा के रखा है ये, ऐसा भी है सबके घर में। तो आज मैं दुकान में जा रही हूँ, तो मेरी माचिस है ना ख़त्म हो गई है, तो अभी तो लाइट जलाना होगा, कैंडल जलाना होगा, इसलिए नहीं दुकान में आना पड़ा। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, यह है यह आश्रम में भी, यहाँ सुबह भी जा दिया है। तो अभी मैं दुकान में जा रही हूँ माचिस खरीदने के लिए, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो पूरा पानी है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है। दिवाली के टाइम भी बारिश, दुर्गा पूजा के टाइम भी बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या करें अभी। तो
बारिश बहुत गंदा बारिश हो रहा है। देखो गाइस कितनी बारिश आ रही है, बिल्कुल अच्छा। मेरे को पूरा घर के पास में है, कैसा सा है ना, कैसा देखता दो क्लिनिक लिया था। तो अभी मैं लेती हूँ फेस वॉश। तो गाइस आप लोग देखते रहना मेरे वीडियो को। बारिश की टाइम है, कोई भी नहीं है, रुकते देखो खाली खाली हो गई। तो गाइस ले लिया है अभी मैंने फेस वॉश, देखो सेट में बना रही है। ये है ना ड्राई चिली नहीं होते जो रेड चिली, उसको थोड़ा गर्म के तावा में थोड़ा चला के उसको मिक्सर में पेस्ट करके ऑनियन ज़्यादा डाल के बनाते हैं, चटनी बोलती है इसे। तो अभी चटनी बना रही है, खिचड़ी के साथ खाएंगे। ये मेरी छोटी बेटी थी, नहीं खा पाएंगे वो, बिल्कुल भी है ना मिर्ची नहीं खा पाती, इतनी मिर्ची को वो नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने कद्दू बनाया है। अभी कद्दू ये है ना हमारे भाषा से ऐसे मुई बोरो बोलते से कद्दू को मुई बोरो, मतलब हम हमारी भाषा से मुई बोरो बोलते हैं, चाकुमुरा बोलते हैं, चाकुमुरा मुई बोरो बनाएंगे। मैं छोंगना आंगती नहीं बेरमर हुए, तो बॉईल करके तेल बिना तेल के बनाएंगे। तो गाइस आप लोग है ना जरूर देखना हमारे वीडियो को। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो नया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने चावल दोपहर बनाया था, खाया नहीं कोई भी, मैंने थोड़ा सा खाया है। तो बहुत सारे चावल है, अभी काल तक हो जाएगा ये। तो गाइस देखो अभी मेरी बेटी चटनी बना रही है, काला है पूरा, जला दिया ना तुमने, पूरा नहीं जला लेकिन पता नहीं क्यों काला हो गया। कोई बात नहीं, खा सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोशिश तो कर रहे हो बनाने के लिए, कोई बात नहीं है। तो गाइस तो मिलती है गाइस, तो मैं वीडियो को है ना ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे आज, इसीलिए नहीं है दिखाने के लिए। बारिश की वजह से थोड़ा सा बाहर गए थे, ये भी दिखाया था। तो ज़्यादा आपको लोगों को मैंने कंटेंट नहीं बना के दिखा नहीं पाया। तो आप यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करते हैं गाइस, तो वीडियो को ज़रूर देखना। थोड़ा सा भी मैं अगर थोड़ा सा भी मेरे को पसंद करते हैं आप लोग, तो थोड़ा आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखना, तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कॉमेंट भी करना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते कैसे वीडियो देखना चाहिए, कैसे देखना चाहती हो आप लोग, तो ज़रूर कमेंट करना। तो चीनी बड़ो कम बसाओ न रो अन वीडियो न किसान आ जा पाजी प्लीज़। आम मेहनत खाई दंग आम नो खाई गैसा हाउस वाइफ हो रो काम रो बीजे ए अच्छी बात है। गार्डन चला गया है यहाँ पे यार, इतना चला के वीडियो बनाना पड़ा, देखो कितनी कितनी अंधेरा हो रही है। तो न रोक आज वीडियो ना नाइबे दिए प्लीज सब्सक्राइब रो खाइए बजे हम कैसे मेहनत खाई दो एंटरटेन खाने बागे आगे हिंदी पे कौन सा हो मैं न रोक नो खा हम यह तातों दिया ना हम है कौन हो आंग को हिंदी मानो होने आंग सामने को गया एक तक आंग हिंदी भाई के जो तो न कौन बुझे हो चीनी जी फाटा रो तो आंग हिंदी बासी रो Thank you so much.